सासनी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता एवं जिलाध्यक्ष चौधरी मलकान सिंह के नेतृत्व में तहसील सिकंदरा राव एवं सासनी के किसानों द्वारा राशन एकत्रित कर कुंटलों गेहूं और सब्जी आज ट्रक में भरकर ले जाया गया। वहीं इस मौके पर दर्जनों किसान मौजूद रहे। टीवी 30 इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा तहसील सिकंदरा राव तहसील सासनी से किसानों द्वारा आज भोजन पानी की व्यवस्था यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके लिए यहाँ से गेहूँ है और तुम्हारा आलू है सब्जी है यहाँ से भेजा जा रहा है। उनसे जानते हैं यहाँ के हमारे जो नेता हैं मलखान सिंह चौधरी जिला अध्यक्ष, उनसे पूछते हैं किस तरह का ये राशन पानी वहाँ भेजा जा रहा है। सर पहले तो अपना नाम बताएं। मलखान सिंह। किस तरह का ये राशन पानी भेजा जा रहा है? राशन पानी है 50 कुंटल गेहूँ है जी, करीब 20 कुंटल आलू है और 5 कुंटल लौकी है, कुछ प्याज है। इस तरह से ये सारा सामान भेजा जा रहा है। ये सब गाजीपुर बॉर्डर पर जाएगा और ये मात्र सिकंदरा राव और यहाँ से है एक शिफ्ट में। अगली बार जो भेजा जाएगा वो सादाबाद है आपका, ये है मुरसान ब्लॉक, ये क्षेत्र से भेजा जाएगा। ये यहाँ से आज हम लेके जा रहे हैं और ये मैं बताऊँ आपको, इससे हमारे वहाँ के भोजन पानी की व्यवस्था तो है ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी ने 1 किलो दिया है उसका लिया गया है, 2 किलो दिया गया है उसका लिया गया है। करीब हजारों किसान जो थोड़ा इससे अलग भी रहते थे उन लोगों को जोड़ने का काम सबसे बड़ा हो रहा है कि ये राशन तो वहाँ पहुँचेगा क्योंकि वहाँ आवश्यकता है। अब ये भी पता नहीं कि आंदोलन कितने दिन चलेगा, कितना लंबा चलेगा। तो ये राशन पहले जाते रहे, सादाबाद से पहले 2 बार चला गया है, ज़िले में कई कई जगह से चला गया है। अब ये हम जो यहाँ से सिकंदरा राव से चल करके यहाँ हम हैं, आपने यहाँ रोक लिया है हमें यहाँ भोजोड़ी चौराहे पर, तो हमें यही है कि ये आलू का एक एक कट्टा एक आदमी ने 1 कट्टा दिया है और जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ले जा रहे हैं। वहाँ से बोले कि इतनी ज़रूरत है आप इतना लेके आइए और जहाँ भी आगे जैसे भी डिमांड होगी उसके लिए हमारे कार्यकर्ता हमारे सब साथी भाई बराबर उसका प्रयास करेंगे। कि यदि मान लीजिए 2 साल भी हमारा आंदोलन चलता है तो 2 साल के लिए राशन की कमी वहाँ पर नहीं आएगी। ये हम 1-1 किलो 2-2 किलो इकट्ठा करके इसे हम दे देते हैं। हम कहते हैं कि 1 महीने में तो 2 बार व्रत रख लो, 3 बार व्रत रख लो, तो उसका जो भी भोजन बचता है उसे इकट्ठा करके एक जगह रख दीजिए। तो वही कर रहे हैं लोग, लोगों की आस्था बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। किसान समझ रहा है कि यदि किसान इस लड़ाई में किसी तरह से पीछे हटता है तो ये सरकार, जो जिसे बीजेपी की सरकार कही है, बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं पर कंट्रोल है, वही इसके ऑपरेटर है। तो ये ऐसी हो जाएगा कि यहाँ एक जैसा उत्तर कोरिया जैसा हो जाएगा कि यानी जो आदमी इतना भूखा रहेगा कि भूखा रहने के बावजूद भी यदि वो कहेगा कि मुझे 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे रोटी नहीं मिली, तो हो सकता है कि आसार ऐसे हिंदुस्तान के हो जाए कि उसको गोली मार दी जाएगी। भूखा तो मरना है, मजदूर को भी मरना है, सबको मरना है। अब इन्होंने बहकावे के लिए ये कर दिया है कि सर राशन फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये कब तक राशन फ्री देंगे, खाली एक इलेक्शन का मामला है। तो हम लोग बिरादरी और धर्म सबसे हट कर के आज मतलब जो है कि हम मोदी जी से भी निवेदन करते हैं कि मोदी जी को ये किसानों और मजदूरों की बात सुननी चाहिए, पर वो उनके इतने चंगुल में है सरमाएदारों के में। यदि मान लीजिए इस बात को साबित कर देते हैं कि ये तीनों बिल वापस ले लेते हैं और MSP को गारंटी कर देते हैं, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं 21 बीघा यानी करीब ये मान लीजिए 4 एकड़ बाजरा था मेरे पास, 4 एकड़ बाजरा में 21 बीघे में मेरा 50 कुंटल बाजरा हुआ, 49 कुंटल कुछ, जो 2,250 का रेट इन्होंने रखा है बाजरे का MSP सुखा करके ले गया, 3 बार में ले गया सुखा करके, और वो रेट मुझे यानी 1,150, 1,150 और 950 ये रेट मिला, कुल मिला करके 1,000 से ज़्यादा 1 कुंटल पर नुकसान मैंने भुगता है। सर आपको लगता है कि ये कब तक ये आपकी मांगों का निस्तारण हो सकता है, सरकार मान सकती है क्या? देखिए पहले मैं ये भी बताऊंगा, मैं ये बता रहा हूं कि मुझे 50,000 का नुकसान मुझे खाली 20 बीघा में ये 50 कुंटल बाजरा में हो गया। अब मान लीजिए 2,000 आप
प्रधानमंत्री सम्मान योजना है क्या है उसमें आप 2000 रुपये दे देते 3 महीने में, तो उससे तो 48,000 तो मेरा फिर भी चाहिए ना। तो ये तो सारी बहकावे की बात है। जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि आंदोलन कब तक चलेगा, क्या चलेगा, देखिए लड़ाई की कोई सीमा नहीं हुआ करती, लड़ाई का कोई स्वरूप नहीं हुआ करता। लड़ाई मतलब यह है कि ये जो है सरकारें कराती है, किसान कभी लड़ने को तैयार नहीं है, किसान तो अपने खेतों से उसे फुर्सत नहीं है, पर ये कराती है ये ऐसे उल्टे सीधे कानून ला करके, ये इसको ज़मीन को यहाँ खेती को पूरी को ये कभी कभी इनकी एक बन चुका है मन के ये जा करके ये सारी ज़मीन को ये सरमाएदारों को देना चाहते हैं। यहाँ किसान इतना तंग रहेगा और इनकी भयभीति रहेगी तो उसका नतीजा यही होगा कि ये ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, और वो चाहती भी सरकार ये है, और नहीं सरकार की नेक नीयत है, सरकार की नेक नीयत है तो उन्हें तीनों कानून रद्द करने चाहिए, MSP की गारंटी कानून बनाना चाहिए, और यदि आपको कानून ही बनाना है तो बैठ करके सब किसानों से, किसानों के संगठन है उनसे बैठ करके आप मतलब मिल बैठ करके कानून बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जिद क्या है कि हम नहीं वापस लेंगे, हम नहीं वापस लेंगे। हमको तो ये लगता है कि ये पूंजीपतियों का दबाव है, इसलिए ये मान के नहीं दे रही। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे जिला अध्यक्ष मलखान सिंह चौधरी से वार्ता कर रहे थे। ये जो राशन पानी भेजा जा रहा है यहाँ से, इन लोगों का समर्थन उनको दिया जा रहा है, यहाँ से पूरी व्यवस्था की जा रही है। शास्त्री से TV 30 इंडिया, देव प्रकाश देव।